सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पेडल इक्वेशन ऑफ द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए वन माइनस कोस थीटा, जो कि पोलर फॉरम के अंदर है। पोलर फॉरम से पेडल इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक इक्वेशन की हेल्प लेंगे, वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस वन अपॉन में आर एस्ट फोर डी आर अपॉन में डी थीटा का स्केयर। ओके, तो उसकी हेल्प से हम पेडल इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गिवन आर इज इक्वल टू ए और वन माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ से इजिली थीटा की वैल्यू आ सकती है, तो मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। आर अपॉन में ए इज इक्वल टू वन माइनस कोस थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू हो गया मेरे पास में वन माइनस आर अपॉन में ए एंड थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वन माइनस आर अपॉन में ए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ओके, तो डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव किया तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव किया तो माइनस का वन अपॉन में स्केयर रूट ऑफ वन माइनस इसका स्केयर वन माइनस आर अपॉन में ए का स्केयर। ओके, एंड इसका भी डेरिवेटिव आएगा तो वो माइनस का वन अपॉन में ए आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो गया, तो डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू ये बना वन अपॉन में ए एंड स्केयर रूट ऑफ वन माइनस आर अपॉन में ए का स्केयर। ओके, हमने डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू रखनी है वहाँ, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूँ। डी आर अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू ए एंड स्केयर रूट ऑफ वन माइनस आर अपॉन में ए का स्केयर। नाउ वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस वन अपॉन में आर एस टू फोर एंड डी आर अपॉन में डी थीटा का स्केयर। ओके, तो डी आर अपॉन में डी थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस वन अपॉन में आर एस टू फोर एंड स्केयर करना उसका स्केयर किया तो ये आ गया ए स्केयर और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस आर अपॉन में ए का स्केयर। ओके, और ये होल स्केयर खोल लेते हैं, तो वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस ए स्केयर अपॉन में आर एस टू फोर, तो वन माइनस वन एंड माइनस आर स्केयर अपॉन में ए स्केयर एंड प्लस टू आर अपॉन में ए, वन से वन कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू वन अपॉन में आर स्केयर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये माइनस का हो गया, माइनस ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो जाएगा तो वन अपॉन में आर स्केयर, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस टू, एक तो आर कैंसिल हो गया एक ए कैंसिल हो गया तो टू ए अपॉन में आर क्यू। ओके, ये टर्म कैंसिल हो गई और यहाँ से आ गया वन अपॉन में पी स्केयर इज इक्वल टू टू ए अपॉन में आर क्यू या फिर आर क्यूब इज इक्वल टू टू ए पी स्केयर, और ये हमारी पेडल इक्वेशन। ओके,